वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आने वाले मंडे पे निफ्टी कैसी हो सकती है, 25 जनवरी की निफ्टी कैसी रहेगी। उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या हम आज की निफ्टी की मूव को पकड़ पाए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको डेली मार्केट के तुरंत बाद एक वीडियो आपके लिए शूट की जाएगी जो शाम को 7 बजे आपको डेली अपलोड होगी, जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में उस पर काम करने में मदद मिल सके। यहां हम लेवल एनालिसिस करेंगे, कहां पे काम करना चाहिए, किन लेवल से ऊपर बाय करना चाहिए, किन लेवल से नीचे सेल करना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टिप्स, नो एनालिसिस, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए, लर्निंग पर्पज के लिए, ताकि अगर आप अपना ट्रेड करने से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा रेफर कर लेते हैं तो आपका ट्रेड थोड़ा सा आसान हो सकता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए, लाइक प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमें मोटिवेट करती हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको जरूर पढ़ा जाएगा और आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों, पहले आप इस कैंडल पर नजर डालिए। हम 21 जनवरी 2021, कल की जो आखिरी 15 मिनट की कैंडल थी, 15 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने, ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखिए कि 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई लोगों को देखें तो हाई था 14,645, 14,645, लो था 14,596 एंड क्लोजिंग हुई थी 14,639.80, मतलब 14,640 को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्लियर था, कल मैंने आपको एक वीडियो भी पोस्ट की थी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को लेके। अगर आप उसको नहीं देखा आपने देख तो प्लीज आके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसी ही वीडियो सीरीज भी मैंने आपके लिए बनाई है, प्लेलिस्ट है जहां पे आप देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेटेजीज की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, वहां पे आके बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपके लिए डाल रहा हूं मैं, आपको सिखाने के लिए जितना हो सकता है वो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, प्लीज उन वीडियोज को ढंग से देखिए, लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सब लोग सीख सके। अब यहां पर क्लोजिंग को अगर हम पकड़ के बैठे 14,640, और जो मेरा परफेक्ट टूल है जिसको मैं रेफर करता ही करता हूं कोई भी ट्रेड लेने से पहले, मैं यहां पे अगर मान लीजिए 14,640, मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, दोस्तों इसके बिना मैं काम नहीं करता हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमेशा से चीखता आया हूं, चिल्लाता आया हूं, एडवाइस करता आया हूं, कहता आया हूं कि मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम, इट इज नथिंग मोर देन दैट। स्टॉक मार्केट एक नंबर गेम है, इन नंबर गेम समझ में आना चाहिए। कोई न्यूज रेफर नहीं करता हूं, कोई टेलीविजन रेफर नहीं करता हूं, कोई भी न्यूज चैनल नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ नंबर्स को फॉलो करता हूं, नंबर्स के हिसाब से ट्रेड करता हूं, बिकॉज आई बिलीव ट्रेंड इज ओनली योर फ्रेंड। ठीक है, सिर्फ ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के साथ मैं लेवल्स निकाल लेता हूं, उसके बाद एनालिसिस करता हूं, जो मुझे समझ में आता मैं ट्रेड करता हूं। यहां पे बहुत क्लियर था कि मैं जो बाइंग करने वाला था 14,660 से ऊपर बाय करने वाला था, स्टॉप लॉस मेरा इतना ये रहा था 14,619 का, मतलब अगर 14,620 से नीचे बाजार चलता तो मैं स्टॉप लॉस हिट होता और मैं रिवर्स पोजिशन ले लेता। ट्रेंड ट्रेडर क्या होता है? ट्रेंड ट्रेडर वो होता है जो ट्रेंड के साथ बदल जाए। स्टॉप लॉस कटने के बाद क्या होता है, आप में से 90% लोग जो हैं ट्रेड से बाहर आ जाते हैं, दोबारा ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, अपनी किस्मत को रोने बैठ जाते हैं हम लोग कि भैया मेरी किस्मत में शायद ट्रेडिंग नहीं है, आज का दिन खराब था। दोस्तों, जो ट्रेंड के साथ फॉलो करेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 1/3 स्टॉक भी आपके फेवर में, 1/3 ट्रेड भी अगर आपके फेवर में पड़ जाते हैं, तब भी आप पैसे बनाएंगे, गारंटी है मेरी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको तय करना होगा। अब यहां पर 619 से नीचे बेचना था, 660 ऊपर मुझे खरीदना था, 619 से नीचे अगर मैं बेचता हूं तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या हुआ है? हमेशा से जो लोग पुराने देखने वाले हैं, मैं बता चुका हूं, पहला टारगेट 550-560 के आसपास का जो T3 है, सेकंड टारगेट रहेगा 14,479 और थर्ड टारगेट विल बी 14,399। ये पूरे दिन की एक रैली यहां पे कवर होती, कंप्लीट होती है। और यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अगर 641 मेरा ब्रेकडाउन का लेवल, ध्यान से देखिए, 14,641 14,641 ब्रेकडाउन रहेगा, इसके नीचे फ्री फॉल रहेगा, मिनिमम सेकंड टारगेट मैं अचीव करने वाला हूँ 14,400 और थर्ड टारगेट रहेगा 14,280 के आसपास में। देखिए बाजार ने कैसा परफॉर्म किया, पहले ये देख लेते हैं कि आज कैसा परफॉर्म किया, क्या इस सेटअप के हिसाब से हमारा बाजार ने काम किया या नहीं किया, और कल हम किस सेटअप पर काम करने वाले, कैसा रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, चलिए वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पे अगर हम मॉर्निंग कैंडल पकड़ लेते हैं 15 मिनट की, ये वाली हमारी 15 मिनट की कैंडल थी, यहाँ पे बाजार खुला 607 का हाई लगा, 14,540 का लो लगा और क्लोजिंग हुई 14,545 की, मतलब बाजार की ओपनिंग 14,593, 620 से नीचे बाजार ट्रिगर हुआ है। तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मैं 660 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बेचने वाला हूं, निफ्टी की सेलिंग स्टार्ट होगी। दोबारा से रेफर कीजिए, 619 से नीचे, 620 पकड़ लीजिए, 619 से नीचे सेलिंग करने वाला हूं, 660 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखिए स्टॉप लॉस रिवर्स हो जाती है, पोजिशन रिवर्स हो जाती है, यू हैव टू ट्रेड विद ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करेंगे यू विल नेवर गेट सक्सेस इन टू स्टॉक मार्केट। क्लियर है, सेकंड टारगेट 14,400, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कैलकुलेटर के यूजर्स हैं, सबको मालूम है कि सेकंड टारगेट मेरा अचीव होता ही होता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैज गॉन,
सेकेंड टारगेट 14,400 था और निफ्टी का ये लास्ट कैंडल है, लो है, निफ्टी ने लो लगाया 356 का, मतलब 400 का मेरा टारगेट आ गया। आप सोच के देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने वर्क किया है। अगर मैं अब ये देखने की कोशिश करूं कि कल कैसे काम करें, अगर इसमें वो स्ट्रेटजी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को अगर देखने की कोशिश करें, वो भी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है, पता नहीं आपने लगाई कि नहीं लगाई। ये 15 मिनट की कैंडल थी मेरी, इसका हाई लो पे हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ये देखिए एक हमने हाई लो पे मार्क लिया, सिंपल सी चीज़ है। आपको किस तरफ ट्रेड लेना है, आपको किसी एक तरफ ट्रेड नहीं लेना, आपको दोनों तरफ ट्रेड लेना है। आपके एडवांस में बिड लगी होनी चाहिए, बाय अबव हाई एंड सेल बिलो लो। तो यहाँ पे हाई का तो ट्रिगर आपको नहीं हुआ, ठीक है, सेल का जो ट्रिगर आपको हुआ है, देखिए ब्यूटीफुल ट्रिगर हुआ है, 540 से नीचे आपको सेल ट्रिगर मिलता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से पूरे 11 बजे के आसपास में। तो 11 बजे के कैंडल पे अगर आप ट्रेड लें, आपका एडवांस में सौदा लगा हुआ है, तो 11 बजे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ब्यूटीफुल 540 से लेके ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आपका प्रॉफिट आया। आने वाले टाइम में मंडे को बाजार कैसा परफॉर्म करता है, नो डाउट। देखिए बाजार ने एक लोअर लो बनाए हैं पूरे दिन में, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, अगर इसको डेली कैंडल को भी देखने की कोशिश करें तो डेली कैंडल भी बहुत ही सॉलिड रेड है, ठीक है, एक पूरी ज़बरदस्त सेलिंग ही देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लोग हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चले आते हैं, अब ये क्या दिखाई देता है, एक इनवर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है। इनवर्टेड हैमर भी आपको मालूम है एक सेलिंग का ही संकेत होता है, ग्रीन कलर का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि बाइंग आ गई। आप समझ के देखिए जो ट्रेडिंग लेवल्स अगर मेरे होंगे, यहाँ पे दो तरीके की बात करने वाले हैं। एक तो हम क्लोजिंग को अगर पकड़ लेते हैं, क्लोजिंग की आखिरी कैंडल की अगर हम हाई लो को पकड़ लें, तो ये लो है यहाँ पे जो आखिरी 15 मिनट की कैंडल का है 14,366 का, और हाई है 14,390। मतलब सिंपल सी बात है, मैं 390 से ऊपर बाय करने वाला हूँ और 366 से नीचे सेल करने वाला हूँ, ये मेरा क्लियर ट्रेड है। अब यहाँ की क्लोजिंग आज की अगर देखें, आज 22 जनवरी है, 3:56 पे वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, सबसे पहली वीडियो शायद आने वाली है आपके लिए पूरे चैनल पे कि बाजार में क्या होता है। 375 की निफ्टी की क्लोजिंग है, यस 14,375 रुपीज़ 10 पैसा। अब मैं अपने कैलकुलेटर के पास जाके इससे रेफर करता हूँ बॉस कि अगले दिन क्या होने वाला है। 14,375 का अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ, क्लोजिंग लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं बाइंग कहाँ करने वाला हूँ, बाइंग मैं सिर्फ करने वाला हूँ 394 से ऊपर, इससे पहले मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ। और 394 किसके आसपास है, देखिए वही ब्रेकडाउन लेवल के आसपास में। अब 14,400 जो सेकंड टारगेट था, नाउ दिस इज द ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट लेवल। मैंने आपको क्या कहा, द सेकंड टारगेट ऑफ द कैलकुलेटर विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और द सपोर्ट। अगर ऊपर में है तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे में है तो सपोर्ट फेस करेगा। अब यहाँ पे 14,400 से ऊपर चलेगा तो फिर मैं सीधा सीधा पहला टारगेट 520 और दूसरा टारगेट वापस से बाजार रिवर्सल करेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए 14,520-641। बट जब तक निफ्टी 14,400 से नीचे रहती है, सेलिंग प्रेशर में ही रहेगी, और 400 से नीचे निकलता है बाजार, यहां पे देखिए तो क्लियरली 14,280, 14,161 और 14,042 ये लेवल भी छू सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दीज आर दी क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी। यहां पे इंट्राडे के लिए आप सेलिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग अगर नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो 355 से नीचे ही सेल करने वाला हूं। और फर्स्ट टारगेट मेरा 295 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 242 के आसपास में, छोटा सा प्रॉफिट लेके आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 14,400 इज द क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एंड सी की वेदर बैंक निफ्टी मेट आवर टारगेट्स नॉट और हाउ बैंक निफ्टी विल परफॉर्म ऑन मंडे। सो देखते हैं बैंक निफ्टी का हाल क्या है। दोस्तों बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी आपके सामने लगा के रखी है मैंने, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी एक्सपायर हो चुका है, आज फ्राइडे का दिन है और लास्ट वर्किंग डे ऑफ दी वीक। यहाँ पे जो कल की बैंक निफ्टी, थोड़ा सा कल का एनालिसिस कर लेते हैं कि आज कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों कल की बैंक निफ्टी को देख लेते हैं पहले कि बैंक निफ्टी कैसे रही। ये हम इसके हाई लो को मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा देखने में विजिबिलिटी का अगर इशू है, ये देखिए अब मेरे ख्याल से विजिबल बहुत अच्छे से होगा, ये विजिबल हमने मार्क कर दिया। अब बाय अबव क्या रहेगा, सेल बिलो क्या रहेगा, बहुत क्लियर सी बात है। जो लास्ट 15 मिनट का मैं इन चीज़ों को बहुत फॉलो करता हूँ दोस्तों, आपको छोटी से छोटी सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करता हूँ ताकि उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकें। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, दिस इज़ प्योर प्योर प्राइस सेक्शन, ठीक है। आपको प्राइस सेक्शन को फॉलो करना है तो आपको किसी न किसी टाइम फ्रेम को अपना दोस्त बनाना होगा और उस टाइम फ्रेम के ऊपर जब काम करने बैठेंगे तो आपको उसको डेडिकेटेडली रिलीजियसली फॉलो करना होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे हाई जो था That was 32,430 और लो जो था 32,253, तो 253 से नीचे मेरा सेल ट्रिगर हो जाएगा, 430 से ऊपर में मेरा बाय ट्रिगर हो जाएगा। अब बहुत ही ब्यूटीफुली इसने नेक्स्ट डे ओपनिंग ही बहुत ही लंबी थी, 32,011 का लो लगाया 32,011 का, बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग। चलिए तो बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पर फिर भी अगर जो लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहता वो क्या स्टॉप लॉस रहता, वो दिन का जो हाई था वो स्टॉप लॉस रहता। जी हाँ, क्योंकि आपका सेल ट्रिगर हुआ, आपकी दिन की पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी वो ये मार्क हो जाएगी, आप इसको यहाँ पे मार्क कीजिए।
सिंपल, और बाय अबव हाई एंड सेल बिलो लो फर्स्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट बाजार को सेटल होने दीजिए, कोई बात नहीं, बाजार में गैप से खुले बाजार, गैप से ना खुले बाजार, 15 मिनट बाजार को सेटल होने देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाजार के पीछे ज्यादा भागेंगे ना तो बाजार आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा 32020 से नीचे सेल ट्रिगर होना था और 32311 से ऊपर ही मैं बाय करने वाला था। उससे पहले मेरे बीच में एक नो ट्रेडिंग जोन था। देखिए पिछले अगर टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें तो ये एक ऐसा लेवल था जो सपोर्ट हो सकता है, जहाँ बाउंस होने की कोशिश हो सकती थी। पहले भी कई बार उसने इसको इंट्राडे में सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। यहाँ पे फिर से उसने एक दो तीन कम से कम 15-45 मिनट के आसपास में इसने यहाँ पे घूमा, लोगों को लगा कि यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है, बहुत डिसाइसिव बाइंग नहीं थी। और जैसे ही उसके नीचे सेल ट्रिगर हुआ, एक जबरदस्त फ्री फॉल। अब अगर निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो कैसा हो सकता है, एक डॉजी बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। पर डॉजी हालांकि ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होते हैं, बट ये अगर आप देखेंगे तो सिग्नल इस कैंडल के ऊपर में आपको सेलिंग का ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग को अगर पकड़ लें, क्लोजिंग है आज की 31,254। चलिए कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं क्या कहता है 31,254। अब कल के दिन में क्या काम करने वाला हूँ, 31,224 से नीचे मेरा सेल कंटिन्यू रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 31,283, 285, 290। लगा लीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, वेरिएशन वेरिएबल फैक्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं, वेरिएशन लगा सकते हैं इसमें। 31,220, 225 से नीचे मेरा सेल ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 31,329 एक ब्रेक डाउन पॉइंट था जिसके नीचे बहुत क्लियरली फ्री फॉल था। अब यहाँ से 31,229 से नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 150 और 30,976 तक के लेवल आ सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर बाजार तेज हुआ तो 290 से ऊपर चलना चाहिए और फिर एक ब्रेकआउट देना चाहिए 329 के ऊपर में। 329 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी वापस से 31,685 के आसपास टच करेगी, बट 31,225 से नीचे जब तक बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर में रहेगी, उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 30,900 के आसपास का इंट्राडे का रहना चाहिए और नीचे जाने के लिए 30,800 तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो अब डेली बनेगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी ज्यादा लोगों में आप शेयर कर सकते कीजिए, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार है। अगर आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और लाइक को अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही मोटिवेट करती है ऐसे कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।